अगर आप एक शादीशुदा है तो आपने तो इसको कभी ना कभी तो जरूर परचेस किया होगा। अगर आपके घर में बीबी है तो आपको ये परचेस कभी ना कभी तो आपने किया होगा। लेकिन ये परचेस करना किसी पहले बताता हूँ ये किस काम के लिए आता है। ये एक्चुअली हेयर रिमूवल क्रीम है जो कि फ्रेम्स के नाम से ये काफ़ी मशहूर है। मतलब इसको से फ्रेम के नाम से इसको बहुत सारा जाना जाता है। जितना भी स्टेट है सभी में इसको फ्रेम से इसको जानता है। तो एक हेयर रिमूवल क्रीम है जो कि ये एलाइट इसका नाम है और ये काफ़ी ब्रांड का होता है। अलग अलग से नाम होता है, फ्रेम भी नाम होता है इसका। तो लेकिन इसका जो परचेस आप जरूर करते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है सही तरह से कोई नहीं यूज़ करता है, जिसकी मदद से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे स्किन का जो इन्फेक्शन है हो जाता है। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने इससे परचेस कभी किया है और आपका बीवी को इसको यूज़ करने के लिए देता है, तो उसके पहले आपको एक पढ़कर इसको देखना होगा कि इसमें क्या क्या एक्चुअली जो इन्फेक्शन का जो इसमें लिखा हुआ था वार्निंग दिया है, इस वार्निंग को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इस वार्निंग के बारे में आपको बीवी को ज़रूर बताना चाहिए कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, कितना टाइम इसको रख सकते हैं आप, और ज़्यादा रखेंगे तो क्या क्या इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो सभी में इसमें लिखा है जो कि आपको मैं देखा तो हूँ अभी प्रैक्टिकली वीडियो में। और इस वीडियो देखने के बाद इसको आप सही तरह यूज़ करते हैं तो आपका स्किन का कोई भी इन्फेक्शन यानी प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी ऐसा बड़ा एक इन्फेक्शन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको सही कुछ बताता हूँ इसमें क्या है, किस तरह से आपको यूज़ करना है और कौन सा टाइम में यूज़ करना है, कितना टाइम रखना है, सही कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़रूर। मैं आपको इसको बेसिकली मैं स्किन पर इसको जो इसका यूज़ का जो फॉर्मूला है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये है एलाइट क्रीम जो कि इसका जो यूज है किस तरह से यूज किया जाता है और से नहीं कहते हैं अब तो क्या क्या इन्फेक्शन होता है सारी कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करते हैं लोग ये इसको परचेस करते हैं कोई भी शॉप से परचेस कर इसे यूज कर लेता है। इसका मदद से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है और बहुत बड़ा बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। तो आपको इसे जब आपको बाई करना है तो आपका इसका जो वार्निंग है वो वार्निंग पास तरह से देखना है, घर में देखकर आपका बीबी को बता देना है उस तरह से यूज करने के लिए। इसके एमआरपी जो है वो 55 अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कंपनी का जो है इससे अलग अलग एमआरपी हो सकता है जो कि ब्रांड हिसाब से होता है 55 है एमआरपी। तो अभी देखते हैं इसका जो मैनुअल है जो किस तरह से यूज करने से यहाँ पे वार्निंग दे गया है, वार्निंग को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बिफोर एवरी यूज कैंडली टेस्ट योर स्किन रिएक्शन बिफोर द अप्लाइंग क्रीम। आपको इसको इक्विपमेंट को पहले से थोड़ा जगह में इसको लगा कर आपको देखना है, एक दो घंटे आपको देखना है कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं स्किन में। अगर कोई रिएक्शन करता है तो आपको दूसरा लेना होगा, मतलब इससे आप मत यूज करिए इसको। आपको पहले रिएक्शन आपको स्किन को आपको टेस्ट करना होता है कि स्किन पे अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो लगभग 20 से 24 घंटे का टाइम लग सकता है आपको इन्फेक्शन देखा मतलब होने के बाद। तो अभी चलते हैं कि इसको किस तरह से आपको यूज करना है। यूज करना है इस तरह से आपको कि आप जब अप्लाई करेंगे इसको तो जिसका अपना हेयर है हेयर को पूरा से ढक देना है, आपको कवर कर देना है, मतलब एक भी जगह नहीं छोड़ना है, पूरा हेयर आपको क्रीम से ही ढक देना है। और ढकने के बाद आपको ये आपको उड्र करना है तभी यहाँ पे लेप द स्किन क्रीम ऑन द स्किन फॉर 5 मिनट। आपको 5 मिनट के ज्यादा नहीं रखना है, आपको 5 मिनट ही रखना है और 5 मिनट के बाद ही इसको आपको हटाना है। अगर 5 मिनट से आप ज्यादा रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ओके इन्फेक्शन वहां पर आपका थोड़ा एक स्पॉट हो जाने का बहुत सारे चांस है और हो गया है बहुत सारे लोगों को। तो अभी देखते हैं इसको कि कितना टाइम आप लग सकता है अगर आपका हेयर बहुत बहुत मैंने मजबूत हो कि उठ नहीं सकता। तो हायरली आप यहाँ पे आप 10 मिनट का ज्यादा नहीं रख सकते हैं, आप 10 मिनट ही रख सकते हैं। 10 मिनट के ज्यादा आप रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। तो आप इसको 10 मिनट से ज्यादा मत रखिए और इससे आप मैंने जिस तरह से बोला और स्पेशल जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया है आपको इसका असर देखकर यूज करना है।